आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे होम्योस्टेसिस किसे कहते हैं होम्योस्टेसिस को हिंदी में बोलते हैं समस्थापन वो भी हम डिस्कस करेंगे कि इकोसिस्टम में होम्योस्टेसिस किसे कहते हैं इसमें मैंने थोड़ा एनिमेशन का यूज किया है आपको समझाने के लिए उम्मीद है कि आपको समझ में आ जाएगा चीजें वो भी काफी बेहतर से ये आपके सामने एक ग्रास लैंड है घास भूमि है बहुत सारी घास थी अचानक यहाँ पर कुछ हिरन पहुंचते हैं और हिरन को दिखता है अरे यहां तो घास ही घास है और ये बहुत खुश हो जाते हैं इसके बाद बस शुरू हो जाता है खाते हैं सोते हैं खाते हैं सोते हैं धीरे धीरे जब होता यह है कि इनके पास सारी फेवरेबल कंडीशन हैं हिरन को क्योंकि फूड की कमी ही नहीं है तो इनकी पॉपुलेशन बहुत ज्यादा बढ़ जाती है अब सारे हिरण मिलकर इस घास को खाने लगते हैं तो होगा क्या धीरे धीरे घास खत्म होने लगेगी वही हुआ घास खत्म हो गई हिरन तो काफी ज्यादा है लेकिन घास खत्म हो गई जब घास खत्म होगी तो यहां पर आप कुछ हिरन भूखे रहना स्टार्ट करेंगे क्योंकि इनको खाना मिलने वाला नहीं है तो ये धीरे धीरे सब मरने लगेंगे जब मर जाएंगे तो फिर वही पुरानी कंडीशन फिर से मेंटेन हो जाएगी थोड़ी घास होगी और दो ही हिरन बचे क्योंकि बाकी तो मर गए अब घास को फिर से मौका है अपनी पॉपुलेशन को बढ़ाने का तो फिर क्या करेगी अपनी पॉपुलेशन को बड़ी स्पीड से बढ़ाएगी अब फिर जब हिरन को नजर आएगा अरे खाने की कोई कमी ही नहीं है तो फिर से अपनी पॉपुलेशन को बढ़ाएंगे और फिर से उनकी ढेर सारी जनसंख्या यहां पर आ जाएगी तो यहां पर आप देख रहे हैं ना एक साइकिल मेंटेन हो रही है इकोसिस्टम खुद को बार बार बैलेंस करने की कोशिश कर रहा है इसी को बोलते हैं होमियोस्ट्रेसिस जरा इसको हम लाइंस में कैसे लिखेंगे वो समझ लेते हैं स्टार्ट करते हैं ग्रॉसलैंड इकोसिस्टम में द पॉपुलेशन ऑफ डियर इंक्रीजेस जब क्या होगा डियर की पॉपुलेशन बढ़ेगी तो वो बहुत सारी ग्रास को कंज्यूम करेंगे खाते जाएंगे खाते जाएंगे खाते जाएंगे तो फिर क्या होगा धीरे धीरे वो जो घास खत्म होने लगेगी एंड फूड वुड बिकम स्का फॉर डियर्स यानी कि खाने की समस्या खड़ी हो जाएगी कि इनको इन डियर्स के पास फिर क्या होगा वेन द नंबर ऑफ डियर्स रिड्यूस्ड जब क्या होगा बहुत सारे हिरण भूखे रहेंगे मरने लगेंगे तो उनकी संख्या बढ़ेगी तो फिर से घास को फिर से मौका मिलेगा और उनकी जनसंख्या फिर से बढ़ने लगेगी किसकी घास की फिर क्या होगा जब घास की जनसंख्या बहुत होगी अब हिरन को नजर आएगा कि सारी कंडीशन फेवरेबल हैं तो डियर की पॉपुलेशन फिर से बढ़ने लगेगी और इस तरीके से एक बार बार इकोसिस्टम खुद को बैलेंस करने लगेगा इसी को बोलते हैं होमियोस्ट्रेसिस अब हम समझ लेते हैं इन इकोलॉजी द टर्म होम्योस्टेसिस अप्लाइज टू द टेंडेंसी फॉर ए बायोलॉजिकल सिस्टम टू चेंजेस होम्योस्टेसिस क्या होता है बार बार जो चेंजेस होता है उनको रोकने की कोशिश करता है जब देखा कि पॉपुलेशन बहुत बढ़ गई डियर की तो उसको बैलेंस किया और जब देखा घास की पॉपुलेशन बढ़ गई तो उसको बैलेंस करने की कोशिश की यानी कि इकोसिस्टम एक इक्विलिब्रियम की कंडीशन को एक बैलेंस्ड खुद को बैलेंस रखने की कोशिश करता है किससे होम्योस्टेसिस से इससे क्या होता है कि वो अपनी जो स्पीसीज का स्ट्रक्चर होता है उसको भी मेंटेन करने की कोशिश करता है जैसे जब पॉपुलेशन बहुत बढ़ गई थी डियर की तो उसको रोकने की कोशिश की तो उसका स्ट्रक्चर स्पीसीज को कम किया उनकी पॉपुलेशन को कम किया जब घास की बढ़ गई तो धीरे धीरे डियर बढ़ने लगे हिरन बढ़ने लगे तो उसका जो एक कुल मिला इतना समझ लो कि होम्योस्टैसिस से स्पीसीज का स्ट्रक्चर भी मेंटेन होता है इसी जो सेल्फ रेगुलेशन की जो कैपेसिटी होती है इकोसिस्टम की इसी को बोलते हैं होम्योस्टैसिस

फिर से जब खाना मिलने लगता है तो फिर से जनसंख्या बढ़ती है फिर खाना कम होता है तो फिर से जनसंख्या कम होती है तो इसी को बोलते हैं निगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म जब कोई रिसोर्स बहुत ही लिमिटेड हो और उस लिमिटेड रिसोर्स के कारण बार बार चीज़ें बैलेंस हो रही हैं अपने पीक पर पहुँचती हैं फिर से बैलेंस हो जाते हैं फिर से पीक पर पहुँचती हैं फिर से बैलेंस हो जाती हैं तो इसको बोलते हैं नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म इससे क्या होता है कि इकोसिस्टम अपनी स्टेबिलिटी को मेंटेन करने की कोशिश करता है आगे समझ लेते हैं कि ये जो कैपेसिटी होती है होम्योस्टेसिस की किसी भी इकोसिस्टम की बहुत ही अनलिमिटेड नहीं होती है इससे पहले मैंने वीडियोस में डिस्कस किया था यूट्रोफिकेशन के बारे में यूट्रोफिकेशन में क्या हो रहा था अगर नेचुरल कारणों नेचुरल रीजन से हो रहा है यूट्रोफिकेशन तो इकोसिस्टम बैलेंस कर ले रहा है लेकिन अगर ह्यूमन का इंटरविजन बहुत ज़्यादा है तो इको ख़ुद को बैलेंस नहीं कर पाता है तो यही चीज़ बोल रहे हैं कि इकोसिस्टम हमेशा वेल रेगुलेटेड नहीं होता है अगर ऐसा हो तो कभी कभी इकोसिस्टम बदले ही ना ग्रासलैंड हमेशा ग्रासलैंड बनी रहे लेकिन ऐसा नहीं होता है कोशिश करता है इकोसिस्टम खुद को मेंटेन करने की लेकिन अगर वहाँ पर ह्यूमन का इंटरवेंशन होता है इंसान अपनी ठीक है ना इंसानों का अगर वहां पर प्रभाव बढ़ता जाता है तो इकोसिस्टम खुद को बैलेंस या रेगुलेट नहीं कर पाता है तो कुल मिला भी जो होमियोस्टेटिक वो अनलिमिटेड नहीं होती है लिमिटेड होती है यानी कुछ हद तक इकोसिस्टम खुद को बैलेंस करने की कोशिश करता है तो ये था हमारा होम्यो इन इको जल्दी आएंगे किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ थैंक यू